मेरी सबसे अच्छी क्रिएशन। हाय, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। ओह, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। ओह, एक पेन। ये कोई आम पेन नहीं है। मेरे पास पहले से ही लेजर पेन है। अच्छा, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा? ये दिखने में लिपस्टिक है, पर देखो। हाँ, अच्छा लगा। हाँ डूड, मेरे पास ये पिछले साल से है। ठीक है, इसे बेचना मुश्किल है। जरा सोचने दो। ओ, मैं समझ गया। थोड़ा जल्दी कर दोगे? इससे सब दिखता है। सच में? जरा इन्हें देखो, मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूँ? समझ गया, मेरे पास ये है। टूटे हुए ग्लासेस को एक जगह पर रखें। 3D पेन से अब इसे जोड़ें। ग्लासेस के फ्रेम पर इसे लगाते जाएं। अब फ्रेम के ऊपर भी यही करें। जब ये हो जाए तो इसकी डंडी जोड़ें और इसके ऊपर भी 3D पेन चलाएं। पूरे पर यही करें। पता भी नहीं चलेगा कि ये कभी टूटे भी थे। मैंने जोड़ दिए। ये स्टाइलिश है ना? ओ, मुझे ट्राई करने दो। खैर, तुम्हें कैसा लगा? ये तुम ही रखो। पर ओ, मैं समझ गया। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। दादी के साथ अच्छे से रहना, समझी? और तुम इस पर नजर रखना। डिनर पर मिलते हैं। टूडल्स। मैं बोर हो गई। डैडी, आप मेरे साथ खेलोगे? मैं इसका क्या करूं? ओह, इतना भारी था। मैं यहाँ पर और क्या कर सकती हूँ? वाह, मॉम की ड्रेसेस तो देखो, ये वाली मेरी फेवरेट है। अरे वाह, ये देखो मॉम का सारा सामान। हे भगवान, ये तो खजाना है। क्या ये मुझे फिट आएगा? कूल। आखिरकार सब हो गया। एवा, ये तुम क्या कर रही हो? आपको अच्छा लगा? ये सारा सामान मॉम का है। याद रखना, मेरे सामान को हाथ नहीं लगना चाहिए। ओ नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं एवा को उसके लिए जूस दे देता हूँ और ये उसे फिट भी आएंगे। रिंग बनाने के लिए एक क्राउन के शेप बनाएंगे। और बाकी की शेप्स भी बनाएंगे। कितना बढ़िया स्टार है। आप अलग अलग रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसे हार्ट्स बहुत पसंद आएंगे। इसमें तो रेड कलर ही होना चाहिए। बस हो ही गया। कितना सुंदर है ना? बीच में एक डॉट और इसके साथ रिंग अटैच हो जाएगी। देखो कितनी सारी है। और ये सब तुम्हारी है। कितनी खूबसूरत है ना? थैंक यू डैडी। और अब ये पहन लो। ये हुई ना बात। Hey girl, तुम बहुत अच्छे लग रही हो। तुम भी। Happy birthday. Oh, एक फोन केस? शुक्रिया, पर मेरे पास ये वाला पहले से है। माफ करना, पर मेरे पास कुछ और भी है। ये देखो, मेरे पास दांत है। हाँ बिल्कुल, कुछ और भी होगा। मैं तो भूल ही गई थी, मुझे माफ कर दो। रुको, क्या ये 3D पेन है? तो मेरे पास एक आइडिया है। एक फ्लैट सरफेस पर फोन रखें और 3D पेन से इस पर ड्रॉ करना शुरू करें। पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। जैसा चाहे वैसा बनाएं, बस पूरा फोन कवर होना चाहिए। कोई जगह मत छोड़ना। कैमरा लेंस को छोड़कर इस जगह पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। अब फोन की साइड्स पर भी ड्रॉ करें। हमारा मतलब एक सिंग और पर्सनलाइज्ड फोन केस बनाने से है, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाई हूँ। वाह, मुझे पसंद आया। बढ़िया, क्या मैं जा सकती हूँ? ओह, एक और गेस्ट। हे,
हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। आखिरकार बर्तन साफ हुए। ओ नहीं, एक और मग। इसे भी साफ कर दो प्लीज। हाँ ठीक है। मग इतना गंदा कैसे हो जाता है? ये क्या, मेरा हाथ। ओ नहीं, क्या ये टूट गया? वो शुक्र है बच गया। नहीं, उनका फेवरेट मग टूट गया, वो मुझे मार डालेंगी। रखो, शायद मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। मुझे ग्लू भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास मेरा 3D पेन है। मैं क्रैक को कवर करूंगी। ये कलर एक ही है तो ये नजर भी नहीं आएगा। और मैं इसे पूरे हैंडल पर करूंगी, एकदम कोने पर। इसे ज्यादा चाहिए भी नहीं। हो गया, एक तरफ से हो गया। अब दूसरी तरफ मैं यहाँ भी ऐसे ही करूंगी। ये साइड भी हो गए, पूरा हुआ। अब ऊपर और नीचे से भी कर देते हैं। हैंडल एक मग का सबसे जरूरी हिस्सा है तो इसे अच्छे से सिक्योर करना जरूरी है। हो गया, और हैंडल जुड़ भी गया। ओ, ये लो तुम्हारे लिए जूस। हाँ, लगता है तुमने हैंडल को टेक्सचर दिया है। क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। खैर, इसे अब पकड़ना आसान है। जूस के लिए शुक्रिया। शुक्र है ये काम किया। बस इन पेपर्स को स्टेपल करना है और मेरा होमवर्क पूरा हुआ। ये तो मजेदार है। हाँ? ये अटक गया है। व्हाट्स? नहीं। अब होगी परेशानी। अरे हाँ, हो गया। अब मैं आराम कर सकती हूँ। क्या बकवास है? बहुत दर्द होगा। ओ नहीं, ये क्राइम सीन है। वही रहो, ठीक है? प्रेस यहाँ नहीं आएगी, निकलो यहाँ से। डेविड! ला 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 ला, ओ ये। डेविड! ये कॉफी का कप जबरदस्त है। बस ये काम कर जाए। ये कहाँ से आ गया? इसमें एक मैसेज है। SOS? पता नहीं क्या हुआ है। ये क्या है? क्या? स्टेपल्स? ये मेरा एयरपोर्ट केस ठीक कर देगा। ये सारे स्टेपल्स उठा लेगा। बिल्कुल इसी तरह। मैंने सारे उठा लिए। थैंक यू। कितनी गहरी नींद आई। मैं कुछ अच्छा सुन लेता हूँ। हेलो, हेय, मुझे सॉन्ग पसंद है। इससे मुझे डांस करने का मन करता है। पहन लिया। वुहू, मैं आज के दिन के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। शूज प्लीज। ओह हाँ, मेरे वॉक पर ध्यान मत देना। मुझे ऐसे करने में मजा आता है। आह, क्या खुशबू है। नेचर बेबी। हे, ये लियाम है, कैसे हो? एवा, हाय। रुको, नहीं लियाम, मत जाओ। वो मुझे क्यों बुला रही है? लियाम, रुको, वहाँ बनाना है। उसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है ना? ओ नहीं, वो। सब ठीक है, मेरी मूव्स को कुछ नहीं रोक सकता। लेकिन अरे यार, मेरे हेडफोन्स। मेरा अच्छा समय खत्म हुआ। अब मैं किससे सुनूंगा? इसके मुकाबले इसका बेस तो बिल्कुल खराब है। लेकिन मैं ऐसा खुद भी बना सकता हूँ। मुझे बस एक 3D पेन की जरूरत है। अब इसे फिल करेंगे, लाइन बाय लाइन बनाते जाएंगे। अब इसके ऊपर ये लगाएंगे। पेंसिल से साथ में जोड़ दें। जब ये सूख जाए तो इन तीनों पार्ट्स को साथ में जोड़ दें। इसे यहाँ पर चिपकाएं। टाडा! लो, ये बिल्कुल सिक्योर है। लियाम, तुम ठीक तो हो?
ओह हाँ, जरा ये देखो, अब मैं दोबारा गाने सुन सकता हूँ। फिर मिलते हैं। बहुत बड़े बड़े दांत थे, पर उसका दिल भी बहुत बड़ा था। तो जब प्रिंसेस ने उसका फर पकड़ा तो वो उसके पैरों में लेट गया, और तब से वो हमेशा साथ रहे। और वो सो गई, मैं उसे ढक देती हूँ। अब आराम से निकलते हैं। ओह बहुत तेज था। ओह उठ मत जाना। वो सो ही रही है। अरे नहीं, उसकी डॉल टूट गई। उसे पता चलेगा तो वो बहुत उदास हो जाएगी। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ओह मुझे पता है क्या करना है। इधर आओ डॉली, तुम्हें रिपेयर करते हैं। मुझे निराश मत करना 3D पेन, मुझे इस बार तुम्हारी जरूरत है। मैं इसे फिश स्केल्स की तरह बनाऊंगी ताकि मर्मेड टेल और अच्छी दिखे। और अब नीचे फिन्स। येलो से शुरू करना सही रहेगा, पर मैं बहुत ज्यादा लगाऊंगी ताकि और सुंदर दिखे। हो गया। और अब थोड़े फिनिशिंग टचेस, थोड़ा येलो ऊपर भी, और ये हो गया। ओह कितनी प्यारी लग रही है, लगता है वो इसे देखकर खुश होगी। मुझे अपने ऊपर गर्व है। मैं डॉली को यहीं रख देती हूँ। अच्छे से सो जाओ, अब मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। बिल्कुल चेरी आइसक्रीम चाहिए। कुछ बहुत तेज लगी। मॉम मॉम मदद करो। क्या हुआ है? हे भगवान, तुम ठीक तो हो? बेचारी बच्ची, क्या हुआ है? ओ, इसे टच मत करो मॉम। मॉमी सब ठीक कर देंगी। एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हारा फोन ले लूं। पापा कितना एडिक्टिव है। मॉम यहाँ मेरा खून आ रहा है। हे क्या? ओ माफ करना, मैं अभी आती हूँ। वाह, उन्हें फर्क भी पड़ता है या नहीं? मॉम आप यहाँ हो? मेरी बच्ची क्या कर रही है? देखो मैं क्या लाई। ये तुम्हारी एल्बो के लिए, ये नीज के लिए, और ये सर के लिए। वाह थैंक्स मॉम। अब मैं अपनी स्केटबोर्ड से जितनी बार भी गिरूं मुझे चोट नहीं लगेगी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और अब तुम सेफ हो। मैं बाहर जाकर खेलूं? बिल्कुल जाओ, मेरी मॉम सबसे अच्छी है। मुझे बेकिंग बहुत पसंद है, इससे मेरे दिमाग को बहुत शांति मिलती है। मैं सोच रही थी अगर मैं जानती हूँ ये किसने किया है। उसे लगता है किसी को पता नहीं चलेगा। और कैंडी नहीं। अरे यार ये उसके अच्छे के लिए है। यहाँ क्या चल रहा है? आपको मुझसे क्या दिक्कत है? तुम्हें पता है उस अलार्म का मतलब क्या है? विटामिन टाइम। मीठी गोलियों से काफी बेहतर है। चलो अपना हाथ आगे करो बच्चे। आप ही खाओ। समझ गई, तुम्हें ये लॉलीपॉप चाहिए। उसके लिए तुम्हें पहले ये खाना होगा। मुझे लगा था ये काम आएगा, पर मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। गमी कैंडीज के लिए सही रहेगी, और आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। बस इसमें कट लगाना है। और ये हो गया। तुम एक और पीस खा सकती हो। अच्छे से खा जाओ। ये थोड़ी क्रंची है। काम बन गया। मैं एक ब्रिलियंट मॉम हूँ। कितना मजेदार डांस है। ओह बेल बजी है, मैं देखकर आती हूँ। अरे नहीं, कितना बढ़िया चल रहा था। देखो एक पैकेज आया है। ये मेरे नए क्रॉक्स हैं। कितने सुंदर हैं, मुझे बहुत पसंद आए। वाह मुझे चलन हो रही है।
मेरे वाले तो एकदम बोरिंग है। हे, मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। मैंने एक प्यारा सा फ्लावर बनाया और अब मैं अपना 3D पेन लूंगी। दो पेटल्स हो गए, अब बाकी। मुझे पैक एंड फोर्ड पैटर्न पसंद है। हो गया, अब मैं बीच में येलो फिल करूंगी। हाँ, कितना प्यारा बन गया। अब एक स्ट्रॉबेरी, मैं इसे पहले ब्लैक से आउटलाइन करूंगी। ये अच्छी लग रही है। अब ग्रीन टॉप। हाँ बिल्कुल, बेरी के लिए रेड, ये बहुत खूबसूरत होगा। बन गया। अब एक स्टार, मुझे इसके लिए टेम्पलेट भी नहीं चाहिए, मैं इसे ऐसे ही बना सकती हूँ और येलो से लगेगा कि ये बहुत तेज चमक रहा है। हो गया, अब शूज की बारी। मैं स्टार यहाँ रखूंगी और अब बाकी चीजें। हाँ, ये बहुत अच्छी बन गई। चलो इन्हें ट्राई करें। हे भगवान, मुझे बहुत पसंद आए। तुमने बहुत अच्छा किया केट। खैर, ये लो, तुम भी ले सकती हो। हाँ, शुक्रिया। तुम्हें कुछ और कूल देखना है? देखो मैंने और क्या बनाया, वो बिल्कुल ऊपर लग जाते हैं और फिर एकदम नए जैसे लगते हैं। मैंने इसे 3D पेन से ट्रेस किया था। कितना कूल है। ओह हाँ, डांस। अब हम अपने नए शूज शो ऑफ कर सकते हैं। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ला ला ला। बहुत समय लग रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, तो हम खाएं? बिल्कुल। ओह, फैंसी। ये लो, कितना रोमांटिक है। लगता है तुम कुछ भूल गए। हमें चम्मच क्यों चाहिए? ठीक है, देखो। टेस्टी। बहुत गंदा है पर ये प्यारा भी है। तुम नहीं खा रही? नहीं, ऐसे ही ठीक हूँ। पर मैं चाहता था तुम्हें पसंद आए। मैं अपने बैग में देखता हूँ। एक अंडा, ये यहाँ कैसे आया? एक 3D पेन। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। एक अंडा लें और 3D पेन से इसके ऊपर ड्रॉ करें। अंडे पर एक स्पाइरल बनाएं, बिल्कुल इस तरह। अब स्पाइरल के आसपास भी लाइंस ड्रॉ करें। इसे फिल करना शुरू करें। जब ये हो जाए तो प्लास्टिक को अंडे से निकाल लें और इसके ऊपर हैंडल लगा दे। ये बन गया स्पून। अब 3D पेन से कुछ डिटेल्स बना दे। हम एक पॉ प्रिंट बनाएंगे, थोड़ी सी और डिटेल्स भी। अब चम्मच के अंदर एक चेहरा भी बना दे। हे ऐसी, मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया। मेरे लिए? मुझे पसंद आया। यम्मी। वाह, अपना खाना चबा कर खाओ। आज का दिन सबसे अच्छा है। हम अब कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। पर तुम कमाल हो। ध्यान से, ये तो बहुत क्यूट है। जो भी है, मुझे तैयार होना चाहिए। ये बेल्ट कितनी प्यारी है। बस ये थोड़ी छोटी है। ओ नहीं, मेरे नेल्स नहीं। ये खराब हो गए। बहुत बुरा हुआ। अपने आप को देखो, मेरे ऊपर छोरे नेल्स। लूजर, तुम सबसे बुरी हो। कोई बात नहीं, मैं ये ठीक कर सकती हूँ। ये काम आएगा। समझ गए। इमरजेंसी नेल रिपेयर करने के लिए पहले अपनी उंगलियों पर टेप लगाएं। अब एक वुडन स्टिक लें और इस टेप को नेल में प्रेस करें। और अब एक पेन से आउटलाइन बनाएं। अपने नेल से टेप को निकाल लें। अब उसे फ्लैट सरफेस पर रखें और अब बाकी का नेल बना लें। ओवल शेप बनाएं। 3D पेन लें और नेल टेम्पलेट को फिल कर लें। लाइंस के बीच बीच में रहना चाहिए। अब कुछ पेंसिल या वैसा ही कुछ लेकर इसे थोड़ा मोड़ कर एक कर्व बना दें। अब टेप से फेक नेल निकाल दें। आराम से करें, हमें नेल तोड़ना नहीं है। अब फालतू का प्लास्टिक काटने के लिए नेल सीजर्स इस्तेमाल करें। इंक के साथ साथ काटना है। अब हमें इसे बस लगाना है। अब इसे बाकी उंगलियों पर भी लगा दें और पाए शानदार नेल्स। अच्छे लग रहे हैं। वाह, अब मैं तैयार हूँ। ये कमाल के लग रहे हैं। हो, हे, ध्यान से, हटाओ इसे। हटो। तुम्हें हुआ क्या है? जरा टाइम देखो, सफाई करने का टाइम है।
निकलो यहाँ से। बहुत हुआ, ये लो, भागो यहाँ से। मैंने उसे सबक सिखाया। लिली बहुत खूबसूरत है। मैं एक दिन उससे शादी करूंगा, पर पहले मुझे स्नैक चाहिए। ओह, तो तुम यहाँ हो। हाय मॉम, आप कैसी हो? जेरेड, तुम्हारे दांत कितने गंदे हैं। ओह, मेरे पास एक टूथब्रश है, तुम्हें इन्हें साफ करना चाहिए। चलो। नहीं, अब मैं क्या करूं? समझ गए, जल्दी से ऑनलाइन देख लेती हूँ। जरा ये देखो, ये लिली है और वो अपने दांत ब्रश कर रही है। वाओ, मैं भी अपने दांत ब्रश करना चाहता हूँ। अगर लिली कर सकती है तो मैं भी करूँगा। मिंटी, मुझे डांस करना है, ये मजेदार है। बाल ठीक है, लेकिन सांसों पर थोड़ा काम करना होगा। चलो भी, मुझे पता है इसमें थोड़ी सी बची हुई है। आ जाओ बाहर। लगभग। हाँ। यस, ये आ गई। हो रहा है, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। नई टूथपेस्ट, पहले क्यों नहीं सोचा। एकदम शानदार। अभी से ही मिंटी फ्रेश फील कर रही हूँ। अब साफ हो गए, मुश्किल टल गई। मैं समय पर वहाँ कैसे पहुँचूंगी? मॉर्निंग टाइम, बस मुझे ब्रश करना है और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अरे, ये तो एक नई ट्यूब है। वाह, आज का दिन तो पक्का बढ़िया होने वाला है। लगता है इतनी काफी होगी। ये तो मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है। कौन जानता था कि इसमें इतनी सारी होगी। ये मिंट का एक्सप्लोजन है। अरे, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर टूथपेस्ट ट्यूब ने उल्टी की है? ये मुझे दो। दांतों को इस तरह से ब्रश नहीं करते। बोरिंग ब्रश को भूल जाओ और उसकी जगह अपनी स्पेशल ट्रे यूज करो। देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे कैसे यूज करते हैं। और अभी भी तुम्हारे पास बहुत सारी टूथपेस्ट है। अब बस एक काम बाकी है, अपने मुँह में डालूं। ये कितना आसान है, बढ़िया हो रहा है। देखो मॉम, हाथों का कोई यूज नहीं। लगता है मेरा दांत निकल आया। चलो इसे ले जाओ टूथ फेरी, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं। बकवास, हटो यहाँ से। हाँ? हे भगवान। ओह नहीं, मुझे इसे बचाना होगा। शायद ये छड़ी खराब हो गई है। बिल्कुल बोल रही है। आपने अपनी फेवरेट डिश तोड़ ली है, तो कोई बात नहीं, 3D पेन से ठीक कर देगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा पर काम बन जाएगा। बॉर्डर बन गए हैं, अब इसमें लाइंस बनाएंगे। बिल्कुल इस तरह, हमने लगभग आधा कर लिया है दोस्तों। अब दूसरी डायरेक्शन में भी यही करें। ये इस तरह का दिखना चाहिए, बढ़िया है ना? उसे पुराने वाली डिश की याद भी नहीं आएगी। तो चलो। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मैं यहाँ इसीलिए तो आई थी। मुझे यहाँ पर दांत की खुशबू आ रही है। बिंगो, इसकी जगह पर एक पेनी रखनी चाहिए। तुम्हारे साथ काम कर अच्छा लगा। ओ, सच में? सब तैयार है, मेरे बाल ब्रश कर दो। तो आपने लंच पे क्या पैक किया है? एक बर्गर। ये एप्पल्स तो सड़े हुए हैं मॉम। ये प्लास्टिक बॉक्स की वजह से हुआ है। एक मिनट रुको, ये रबर बैंड सिर्फ बालों के लिए ही नहीं है। अब एप्पल्स खराब नहीं होंगे। देखो और सीखो। पहले इसे स्लाइस करेंगे। देखा, हो गया। पर अब ये पूरा नहीं हुआ। अब इसके ऊपर रबर बैंड लगाएंगे। हाँ, ये मैंने खुद बनाया है।
तैयार हो हनी? ये रहे बिल्कुल नए एप्पल स्लाइसेस। अब चलो पिकनिक पर चले। हमने सही जगह चुनी है। मैं एप्पल खाने के लिए तैयार हूँ माँ। तुम्हें बिल्कुल ताजे मिलेंगे। तो चलो अब देखते हैं। ये तुम्हारे लिए फ्रेश है। वाह, क्या आपने इसे काटा हुआ है? आपकी तरह ये कोई नहीं काट सकता मॉम। जरा मैं भी खा लूं। वो अगर मेरे भी बाल ऐसे कर्ल हो जाए तो ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक दो तीन चार। अभी भी बिल्कुल सीधे हैं। मैं सभी स्ट्रैंड्स को एक बार में करूंगी। एक दो तीन चार। ठीक है, मैं इसे होल्ड करने के लिए इलास्टिक का इस्तेमाल करूंगी। ये पक्का काम करेगा और ब्रेड से भी काम हो जाना चाहिए। ये काफी टाइटली पकड़ लेंगे। इतना क्यूट नहीं है पर जो भी हो। मुझे एक मैगजीन वाले खूबसूरत बाल कभी नहीं मिलेंगे। रो क्यों रही हो एनी? मैं इसकी तरह खूबसूरत बनना चाहती हूँ। कर्लिंग करना मेरे बस की बात तो नहीं है पर लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ। पर पहले हमें तुम्हारे बालों को स्मूथ करना होगा और फिर इसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं और फिर वैसे। नहीं, ये वापस से उग जाएंगे। एक मिनट रुको। आइडिया, मुझे पता है। पहले एक स्ट्रैंड को पानी से स्प्रे करते हैं, फिर ब्रश के हैंडल को कर्लर की तरह यूज करें। इसे बिल्कुल ऊपर तक ले जाएं। ओह हेलो कर्ल्स। हॉट कर्लिंग आयरन की जरूरत किसे है? और हीट से बालों के खराब होने का खतरा भी नहीं। शुक्रिया डैड। मुझे खुशी है कि मैंने रास्ता ढूंढ लिया। कितनी शांति मिली है। मुझे आइसक्रीम के सपने देखना बहुत पसंद है। काश मैं हमेशा हमेशा के लिए सोती रहती। और ये क्या हो गया? मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ? मुझे स्कूल के लिए तैयार होना होगा। लगभग हो गया। ले लिया। मैं अपने पीजेस तो नहीं पहन सकती। क्या इससे काम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। और इन बालों का क्या करूं? क्या यहाँ आसपास क्रंचेस पड़ी है? नहीं वो नहीं। मैं वो यूज कर सकती हूँ। चलो फिर मुझे दो। वो मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया। अब मैं क्या करूं? इस लड़की का क्या होगा? अरे यार, शायद मैं इससे कुछ कर सकती हूँ। पर ये मेरे बालों को टाइटली होल्ड नहीं कर पा रहा। कुछ भी नहीं हो रहा। एनी, ये बिल्कुल यूज़लेस है मॉम। चलो मैं तुम्हें छोटी सी ट्रिक दिखाती हूँ। तुम्हें बस थोड़ी सी हीट की जरूरत है। देखो, थोड़ी सी हीट इसको दोबारा से श्रिंक कर देगी। देखो ये चेंज हो रहा है। इसने इसको दोबारा से इलास्टिक बना दिया। अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेची है। ये लो। वाओ, थैंक्स। मुझे लगता है अब मैं कर सकती हूँ। हेलो पोनीटेल। अब मैं स्कूल के लिए निकल सकती हूँ। एनी, तुम्हारा बैकपैक। आज का दिन कितना धीरे बीत रहा है। उनके पास यहाँ आइसक्रीम है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। काश मेरे पास कैश हो। मैंने कैश कहा, ट्रैश नहीं। ये कैसा रहेगा? मुझे लगता है काम आएगा। ओह, कस्टमर। हाय। हेलो। तो तुम्हें कैसा लगा? हाँ? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो? कुछ भी नहीं है। नहीं? तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं अपनी खुद की करेंसी बना सकती हूँ जब तक मेरे पास मेरा 3D पेन है। परफेक्ट। अब कुछ और स्टेप्स बाकी है। ये आइसक्रीम कोन जैसा लग रहा है ना? और उसके साथ क्या जाएगा? आइसक्रीम ही। स्ट्रॉबेरी सॉस मत भूलना। इसे देखकर मुझे भूख लग रही है।
कितना अच्छा लग रहा है ना? और इस जगह पर चेन लगेगी, कितना प्यारा है। शुक्र है मैंने मैचिंग इयररिंग्स भी बना ली। अब मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। चलो लुक को और अच्छा कर ली। लगभग। ओह, तुम वापस आ गई। हाँ, मैं वापस आ गई। कितना कमाल का नेकलेस है। इसके बदले मुझे आइसक्रीम मिलेगी, है ना? हाँ। बस एक छोटी वाली दे दो प्लीज। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। हर बार यही होता है। फ्रेंड्स देखो। वाह, स्टार्स, कितना कूल है। काश मेरे पास भी ऐसे ही सुंदर इयररिंग्स होते। बाय बाय। ये बहुत गलत बात है, मेरे पास अच्छी चीजें नहीं होती। कम से कम ये कैंडी से मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। रखो, ये कैंडी से मुझे एक आईडिया आया। ये काम करेगा, मतलब ये अच्छे लग रहे हैं ना? अरे नहीं, मैंने अपने कानों पर कैंडी लगाई है। हेलो डियर, तुम्हारा स्कूल कैसा रहा? डैडी, मुझे सुंदर इयररिंग्स चाहिए। कोई बात नहीं, डैडी यही है। हमें बस ये पेंस और होल पंच चाहिए। पहले एक फूड कंटेनर लेंगे और इसके ऊपर फ्रूट शेप्स बनाएंगे। ध्यान से शेप्स को काट लें। प्लास्टिक में छेद करने के लिए पंच होल इस्तेमाल करें। इसे ट्रे पर रखें और ओवन में डाल दें। जब ये सिकुड़ जाए तो ओवन से निकाल लें। अब प्लास्टिक के बीच में थ्रेड के साथ इयररिंग हुक लगाएं। ये बन गए सुंदर इयररिंग्स। टाटा, ये लो। कितने कूल है, मैंने पहनने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं कौन से वाले पहनूं? चेरीज, ये परफेक्ट है। शुक्रिया डैडी। लो, आपको ये मिलना चाहिए। शादी मुझ पर सूट करते हैं। ये मेरी आंखों से मैच करता है। हे हैंडसम। बहुत मजा आ रहा है डैडी। देखो, तुमने देखा उसने क्या किया? बेवकूफ है। हनी, जरा मुझे भी थोड़ी आइसक्रीम दे दो। तुम अकेली ही सारी खा रही हो। ठीक है, बस एक चम्मच, ठीक है? शुक्रिया। मैं अभी आती हूँ डैडी। हे, ये काफी अच्छी है। हाँ, अब फिल्म देख लेते हैं। शायद नहीं, मैंने उसे कहा था मैं एक ही लूंगा। एक और बाइट ले लेता हूँ। ये मूवी बहुत अच्छी है। बस एक चम्मच और, पक्का प्रॉमिस। ये हुई ना बात। हाँ, ओ नहीं, ये कहाँ गई? मैंने क्या कर दिया? मैं कह दूंगा कि ये डॉग ने खा ली। रुको, हमारे पास तो डॉग है ही नहीं। मैंने सोचा फ्लफी भी मूवी देख लेगा। मेरी आइसक्रीम पकड़ने के लिए शुक्रिया डैड, आपने सारी खा ली। क्योंकि वो आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी। बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ठीक है, बाय। स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारी माँ से क्या कहूँगा? नहीं, मुझे आइसक्रीम की जगह कुछ डालना होगा, जल्दी। कैरेट जूस, मैं तो जीनियस हूँ। थोड़ा सा जूस ग्लास में डालें, ऊपर थोड़ा फॉइल लगाएं, इसे नीचे की तरफ अच्छे से दबा दें। अब इस पे एक पॉप्सिकल स्टिक लगाएं, इसे फ्रीजर में रखें और सेट होने का इंतजार करें। ये हो गया। हे डैडी, ओह पॉप्सिकल्स। मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। मेरे लिए? वाओ, स्वादिष्ट, यम्मी। मैं खुश हूँ तुम्हें पसंद आए। फिर बाल बाल बचे। मॉर्निंग जूली, मेरा नया मग कितना सुंदर है ना? ओह, बहुत प्यारा है। मैं देख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं बटर फिंगर्स। हाँ तो ठीक है, मुझे इसे कहीं रखना होगा। वो शेल्फ्स तो बहुत ऊंचे हैं। जूली यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, हील्स में भी नहीं। फिर मिलते हैं। वो देख तो नहीं रही ना? हम वो मग लेकर रहेंगे। बस पहुँच ही गई, मैं यही से टेस्ट कर सकती हूँ। हाँ, ओ नहीं, ये कैसे हो गया? अब तो मैं गई।
मुझे सबूत मिटाने होंगे। इसके नीचे देखता भी कौन है? मेरा 3D पेन। शायद मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। पहले फॉइल से एक शेप बनाएं। जब ये पूरा कवर हो जाए तो इसे सूखने दें और फिर निकाल लें। अब हमें थोड़ी क्रिएटिविटी की जरूरत है। एक बड़ा सा दिल बनाते हैं और अब उसे फिल करें। इस तरह ऊपर नीचे लाइंस बनाते जाएं और ये हो गया। एकदम शांति से करना होगा। लो। चलो देखें। ओहो, ये मग कितना प्यारा है। अभी भी ठीक नहीं है, काफी बेहतर। अब बस फ्लोर्स की सफाई करना बाकी है। क्या यहाँ पर कितने सारे बाल पड़े हैं? ओह, कितना बेहुदा है, मैं बीमार हो जाऊंगी। ये नई ड्रेसिंग बहुत टेस्टी है। ये बाल यहाँ कैसे आए? अब मुझे और भूख नहीं लग रही। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर तो बाल बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शेडिंग बीस्ट में रह रही हूँ। क्या ये कभी खत्म भी होंगे? ये यहाँ से आ रहे हैं। एनी का कमरा, अब मुझे इसकी तह तक जाना ही होगा। ये बालों का ड्रामा अब खत्म होने वाला है। एनी, क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये तो मेरी एनी है, कभी ना खत्म होने वाली शेडिंग मशीन। अरे, तुमने हर जगह अपने बाल ही बाल कर दिए हैं। ओह, देखो मॉम, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? नहीं, तुम्हारा हुआ है, ये तुम्हारे बाल है। ये ब्रश में फंस गए हैं। अब मैं इनको बाहर कैसे निकालूं? तुम्हें पता है, शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। क्या वहाँ पर कोम पड़ी है? बालों को इकट्ठा करने के लिए उसका यूज करते हैं। ये बाहर आ रहे हैं। देखो हनी, वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने काम किया। क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे? इसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। इसलिए मुझे सुपर मॉम कहा जाता है। बहुत अच्छा है, कितनी सुंदर ड्राइंग है, मुझे और ग्रीन करना है। ओ, मेरे प्यारे आर्टिस्ट को तो देखो। हाय मामी। ओ नहीं, ये क्या है? बस यहाँ हैमस्टर ना हो। ओह, ये तो तुम्हारे क्रेयॉन्स हैं। नहीं, अब मैं ड्रॉ कैसे करूँ? कोई बात नहीं, मामी कुछ सोचेंगी शायद। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ। ये मोल्ड काम आ सकता है, ट्राई करके देखते हैं। मैं टूटे हुए क्रेयॉन्स को इस मोल्ड में रखती हूँ। सारे नंबर्स फिल करने हैं। हाँ, हो गए। अब इस मोल्ड को अवन में रख देंगे। इससे ये वैक्स पिघल जाएगी। ऐसा लग रहा है केक बेक हो रहा है। बस उम्मीद है ये काम करे। चलो अब मोल्ड को अवन से बाहर निकाल लें। ध्यान से, ये गर्म है। पहले इसे ठंडा होने देंगे और फिर मोल्ड से निकाल लेंगे। मजेदार है ना? मैं इन्हें इस प्लेट पर लगा देती हूँ। उम्मीद है शेरों को ये पसंद आए। वो मेरे फेवरेट क्रेयॉन्स थे। कोई बात नहीं डार्लिंग, देखो मम्मी के पास क्या है। क्या ये क्रेयॉन्स है? ओह, ये तो नंबर्स हैं। मैं पहले कौन सा इस्तेमाल करूँ? देखो मॉम, इसमें तो अलग अलग कलर्स है। मैं खुश हूँ तुम्हें पसंद आए। मुझे बहुत पसंद आए। नहीं मम्मी। ओह, मुझे इससे छुट्टी चाहिए। क्यों? हेलो फ्लैश, तुम ये क्या कर रहे हो? डेविड जल्दी। ओह नहीं, मैं प्रेशर में काम नहीं कर पाता। ये लो, अब तुम्हारा है। बहुत अजीब बात है, पर कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। बाल बाल बचे, पर तुमने कर ही दिया। माफ करना, मैं लेट हो गई। आज का लेसन शुरू करते हैं। हाँ, चॉकलेट क्यों नहीं पा रहा? ये बहुत फनी है। पता नहीं क्या हो रहा है, शायद ये गंदा है। रुको, बोर्ड पर कुछ है। क्या ये सोप है? मुझे बहुत बुरा लगा क्लास, हमने कर दिखाया।
कोई बात नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ सोचना होगा। हाँ, मैं ये नोटबुक इस्तेमाल कर सकती हूँ। कोने पर टेप की एक स्ट्रिप लगाएंगे। ये रहा चॉकबोर्ड पेंट। अब पेंट से पूरी नोटबुक कवर कर देंगे। ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस हो ही गया। अब इसे सूखने देंगे। अब टेप हटा सकते हैं। ध्यान से, पेंट खराब नहीं करना है। अब मुझे चॉकबोर्ड नहीं चाहिए, मैं नोटबुक इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब प्रॉब्लम नोटबुक कवर पर लिखी जाएगी। बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब हमें आंसर चाहिए। ये क्या हो रहा है? तो क्लास, ये कौन आंसर करेगा? तुम। पर ठीक है। और जाओ। आराम से रहो। अब तुम इतने स्मार्ट नहीं रहे। ओह ठीक है, मैं ये जानता हूँ। ये कैसा रहेगा? गलत है। जाकर बैठो। तुम क्या सोच रहे हो? प्रैंक्स में कम और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। मैं इसे हटा देती हूँ। मैडिसन। मैं? ये तो बहुत बुरा है। मैं ये लेना चाहूंगी। अच्छी चॉइस है। ये लो बेटी। चलें हनी। यम्मी। जरा रुको स्वीटी, मुझे उठाना होगा। हेलो, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मम्मी। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है बेटी। मेरे लॉलीपॉप, मुझे इसे उठाना होगा। गंदी हो गई। मेरा बलून कहाँ चला गया? नहीं, वापस आओ। मुझे माफ कर दो बलून। ऐसी बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होती है? बेटी, क्या हुआ है? ओह, मैं बाद में कॉल करती हूँ। कोई बात नहीं हनी, मम्मी सब ठीक कर देगी। ये इमरजेंसी है। आपके साथ काम करके अच्छा लगा। मुझे कॉलेज में रहना चाहिए था। मैं नहीं चाहती ये दोबारा हो। इस लॉलीपॉप के साथ रिबन को बांध देंगे। इतना काफी है। ये लो बेटी। वाह, थैंक्स मॉम। देखो, अब मेरा बलून उड़ नहीं रहा। ये अच्छा हुआ हनी, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी। मम्मी संभाल लेंगी। ओह, ये काफी अलग था। बस मुझे अब सोना है और कल मेरा थिएटर है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं रुक ही नहीं पा रही। बहुत बुरी नींद आई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, सब दर्द हो रहा है। हेलो स्लीपी हेड। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लाओ मुझे दिखाओ, तुम्हें फीवर तो नहीं है? जरा इसे लगाओ। कफ सिरप काम आएगा। अपना मुंह खोलो। याक। तुम्हें आराम करना चाहिए। पर थिएटर, मैं मिस नहीं कर सकती। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो डार्लिंग, पर तुम बीमार हो। एक मिनट रुको, मैं जानती हूँ तुम खुश कैसे होगी। एक सीरियल बॉक्स लें और उसमें से स्क्वायर काटें। इस तरह बॉक्स को रखें और इसके ऊपर एडहेसिव पेपर का स्ट्रिप लगाएं। एडहेसिव पेपर के अलग अलग कलर्स लगाते जाएं। दो अलग अलग कलर्स से इसे ढकें। अब सीजर से बीच से पेपर हटा दें। अब दो टिश्यू पेपर लें और उन्हें फोल्ड करें बिल्कुल इस तरह। अब टिश्यू पेपर को बॉक्स के अंदर रख दें। ऊपर और नीचे दो स्लिट्स बनाएं। अब इसके बीच में पॉप्सिकल डाल दें। आखिरकार कार्ड पर कैरेक्टर्स बनाएं और उन्हें पॉप्सिकल स्टिक्स पर चिपका दें। तुम शो के लिए तैयार हो? वाह, ये तो बढ़िया है। थिएटर खुद ही तुम्हारे पास आ गया। तुम्हें परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत गंदा था। बस ये फैले नहीं, हम साथ में बीमार हो जाएंगे। बहुत बढ़िया,